Good morning all. How are you? Hope you all will be fine. Hope you all are fine. So let's start with a new video, new energy. So today's topic is Ignitia. Sabka bread and butter remedy, sabke dilon ki remedy. और ये रेमेडी बहुत कॉमनली हमारे पास आती है. ये रेमेडी को समझने के लिए ना हम कुछ केसेस भी देखेंगे, पर उसके पहले की नहीं, ये रेमेडी हम लोग कॉलेज लाइफ में किस तरीके से पढ़ते थे. कॉलेज लाइफ में हम इसको कैसे पढ़ते थे, एक एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन लिखी हुई थी कि कॉन्ट्राडिक्शन है ना, इग्निशिया इज इक्वल टू कॉन्ट्राडिक्शन. अब इग्निशिया इज इक्वल टू कॉन्ट्राडिक्शन तब तो समझ में नहीं आता था, मतलब वो कान में आवाज आ रही है और रिलीव्ड बाय म्यूजिक है ना, कुछ तो भी कॉन्ट्राडिक्टरी था ना. मतलब अब कैसा है ना कि थ्रोट में पेन है और आपको सॉलिड फूड खाना है, पसंद है, उससे रिलीव्ड हो रहा है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स ऑफ इग्निशिया. हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे फर्दर लेक्चर में. अब देखिए, इग्निशिया है एक प्लांट रेमेडी है. अब इग्निशिया ऐसी है ना, इसका स्पीयर ऑफ एक्शन पहले समझ लेते हैं. बहुत सारे ऑथर्स ने की नहीं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई है. एक सम अप करके आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ. तो सम अप में ऐसा है कि इग्निशिया का स्पीयर ऑफ एक्शन जो है वो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा और पूरा नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड पे. अब ये जो चीज़ें हैं तो ये स्पीयर ऑफ एक्शन इसके ऊपर होके एग्जैक्टली रेमेडी में होता क्या है ना, रेमेडी में क्या होता है ना, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा पे ये एक्ट करके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस करने की कोशिश करता है. मतलब इग्निशिया रेमेडी को, मतलब इग्निशिया पर्सनैलिटी को, जब हम इग्निशिया हमारा जब उसका पैथोफिजियोलॉजी जब देखते हैं तो ऑब्लॉन्गेटा पे इसने एक्ट किया तो स्पाजम्स आएंगे, कन्वल्शंस आएंगे, हिस्टेरिया होगा, जो कि बहुत कॉमन है ये रेमेडी में, है ना, इसी के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है ना मोस्टली इग्निशिया. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस केस विथ लेट अस अंडरस्टैंड दिस रेमेडी विद अ केस. तो पहला केस था एक, शायद मुझे ऐसे लगता है 4-5 महीने की पहले की बात है. एक लड़का आया मेरे क्लिनिक में और उसके साथ एक कलीग थी उसकी, और उसके हाथों में एक लड़की को वो उठा के लेके आए. शी वॉज अनकॉन्शियस, ऐसा मुझे लगा, फील हुआ, तो अनकॉन्शियस हो गई. उसको थोड़ा सा झटके आए थे बोले, और फिर वो अनकॉन्शियस हो गई और वो ऐसे के वैसे उन लोगों ने हॉस्टल में से उठा के लेके आए. तो मैं उसको ऑब्जर्व ही कर रहा था. उसने ऐसे उठाया हमारे मेरे सोफे पे, वहाँ पे जाके रख दिया. जब वो रख रहा था ना, वो लड़की थोड़ा सा हाथ की नहीं, एक हाथ ऐसा पड़ा हुआ था और एक हाथ थोड़ा सा इस तरीके से निकाल के थोड़े से कपड़े ठीक करने की कोशिश कर रही थी. तो मैंने पूछा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, तो बोले पता नहीं सर, बोले ये एकदम से उसको क्या हुआ क्या नहीं, तो ऐसी ऐसी की और धड़ से गिर गई. तो मैं बोला यार चलो ठीक है, धड़ से गिर गई, फिर उसके बाद क्या हुआ. तो गिरने के बाद ये ऐसी ही बिहेवियर है इसका, मतलब ये कुछ बात नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है. तो मैं बोला, मैंने उसको पूछा कि बेटा थोड़ा सा हाथ हिलाओ, तो उसने कुछ आँखें ऐसी की और थोड़ा सा हाथ हिलाने की कोशिश की. तो मुझे ऐसे लगा कि यार कुछ तो भी देना चाहिए इसको. तो मेरे दिमाग में कुछ रूब्रिक्स हैं, तो मैंने एक पहला रूब्रिक लिया, अलर्ट. क्योंकि वो अनकॉन्शियस थी या नहीं थी वो तो अपन बोल नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से वो कंडीशन थी, वो कंडीशन में मुझे वो इस तरीके से लग रही थी कि वो कॉन्शियस भी थी और अनकॉन्शियस भी थी, मतलब वो प्रॉपरली आंसर नहीं दे पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी. तो मैंने पहला रूब्रिक लिया अलर्ट, क्योंकि इस कंडीशन में भी वो अपने कपड़े ठीक कर रही थी. मेरे एक ओपीएम वाला भी एक केस का वो, मतलब मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था, तो वो आप बैक जाके वो वीडियो आप देख सकते हो. उसमें भी ये अलर्ट रूब्रिक हम लोगों ने, सचिन सर और मैं था, तो हम दोनों ने मिलके उस रूब्रिक को भी हमने इलैबोरेट किया, तो आप वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो. तो मेरा फर्स्ट रूब्रिक था अलर्ट. अलर्ट के साथ मुझे ऐसी लगा कि ये पूरा उस तरीके से गोल चक्कर आके धाड़ से गिर गई, तो आई हैव टेकन इट एज एन हिस्टेरिया फेंटिंग, हिस्टेरिकल फेंटिंग. ठीक है, ये दो रूब्रिक क्लब किए, एक ही रेमेडी कॉमन आ रही थी. रेमेडी का नाम था इग्निशिया. तो मैंने इग्निशिया दिया उसको 10 मिनट में, मेरे दो स्टूडेंट्स भी थे, उसी ने वो केस रिकॉर्ड की थी. एक्चुअली आई विल नॉट शो दिस केस बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इशू. तो
मैं तो वो केस में बिजी था, तो मेरा एक स्टूडेंट था डॉक्टर रोहित मैत्री का, तो उसने वो केस रिकॉर्ड किया था। तो वो जब रिकॉर्ड किया तो रोहित वॉज वेरी अलर्ट कि वो क्या एक्शन ले रही है क्या नहीं, तो वो सारी चीज़ें देख रहे थे। हमने इग्निशिया का उसको डोज दिया एंड धीरे धीरे फिर उसका कॉन्शियसनेस आने लगा, फिर वो थोड़ी सी हंसने लगी, फिर उसने कपड़े ठीक किए, फिर उठ के बैठ गए। तो ये सारी केस इतनी थी। हम लोग इसको हम इग्निशिया को हम थोड़ा सा आगे में समझेंगे कि क्या है, तो उसके लिए पहले कि नहीं इग्निशिया को समझने के लिए एक और केस देखते हैं दूसरी। तो लेट अस सी अनदर केस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस रेमेडी होल। तो केस ऐसा था कि ये एक 20-22 साल की लड़की थी। मुझे एक मेरे कलीग ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि यार ये रिपोर्ट देख, और रिपोर्ट के साथ साथ ये लड़की का चेहरा उसने मतलब एक फ़ोटो पिक भेजा था कि आईसीयू में देख, बोले ये लड़की कैसी है। तो उन्होंने एक बहुत एक पिक भेजा, और वो जो ये था रिपोर्ट पढ़ने के बाद कि भी मुझे यार एक्चुअली बहुत अलग ही फील हुआ कि यार कम 20-22 साल की लड़की और इसको इस तरीके की तकलीफ उसको ऐसी थी एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस, और वो भी उसका सीटी स्कोर कुछ तो भी था। तो 8 सीटी स्कोर मतलब सीवियर टाइप ऑफ पैंक्रियाटाइटिस है वो, और नेक्रोटाइजिंग तो था ही, तो उसमें और थ्रम्बोसिस भी था उसको पोर्टल वेन में, असाइटिस भी था वो रिपोर्ट में, और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी था। तो 3-5 दिन से उसने मोशन भी पास नहीं किए थे। शी इज इन इंटेंस पेन, उसको अपडोमिनल में बहुत ज़्यादा पेन था और वो मूव भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि उसको अपन आईसीयू में जाके देख लेते हैं। तो मैं आईसीयू की तरफ गया। आईसीयू में जाने के बाद वो लड़की बैठी हुई थी, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, सारी चीज़ें लगी हुई है, एंड शी इज ऐसी थोड़ा सा बैठी हुई थी, मुझे देखा और थोड़ी प्यारी सी स्माइल दी और ऐसी होके बैठ गई और मुझसे बातें करने लगी। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा क्या तकलीफ है, तो बोले मुझे दर्द है, मोशन नहीं हुए हैं, और वो धीरे धीरे इस तरीके से कर रही थी। बट शी इज मैनेजिंग हर पेन, एंड वाइल मैनेजिंग हर पेन मुझसे बात भी कर रही थी। तो मेरे दिमाग में कुछ अलग अलग चीज़ें चलने लगी थी, यार 20-22 साल की लड़की इतने दर्द में, मतलब उसको कितना पेन हो रहा होगा, ऊपर से इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, और क्या क्या नहीं था यार। मैंने उससे बात करना शुरू किया, रेपो बनाना शुरू किया, क्या नाम है, क्या है, कहाँ से हो। तो मैं बोले MPC हो, यहाँ पे आई हो, क्या करते हो, तो मैं पढ़ रही हूँ। बोला क्यों इस तरीके की कंडीशन तुम्हारे लाइफ में आ गई, क्या हुआ था, तो कुछ नहीं बोले। क्या टेंशन है, मैंने पूछा, तो बोले मम्मी पापा का थोड़ा सा टेंशन रहता है, उनकी तबीयत खराब रहती है। अरे यार तेरा दर्द देख, ये क्या मम्मी पापा का बोल रही है तू, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। बोला क्या करना चाहते हो, तो मुझे सोशल वर्क करना है। तो बोला यार 20-22 साल की तू लड़की है और तुझे सोशल वर्क करना है, सोशल वर्क इन द सेंस, थोड़ा इलैबोरेट करके बताओ। तो बोले मुझे, मैं बुद्धिज्म को फॉलो करती हूँ, बोले, और बुद्धिज्म में बोले जो इक्वेलिटी, फैटर्निटी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। मैं बोला यार 20-22 साल की लड़की क्या बात कर रही है, ये कुछ तो भी आउट ऑफ ये है, बट दिस इज PQRS। सोचो 20-22 साल के लोग कितना ये बात करने वाले हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फिर आगे पूछता गया। तो फिर वो धीरे से कन्हारने लगी, मुझे फील अच्छा नहीं हुआ, फिर भी मैंने उसको पूछा जीना है, तो उसने मेरे तरफ देखा और हंसते हुए हाँ। दैट रिएक्शन वाज कि यार नहीं, सही में इसको जीना है, पर अंदर से वो कुछ तो भी, मतलब उसकी आंखें मतलब ऐसी कह रही थी कि यार कुछ तो भी इसके लाइफ में गड़बड़ शुरू है। तो मैंने उसको पूछते गया, तो बोला क्या हुआ, तो उसने एक चीज बताई, मैं 4-5 साल से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। मैं बोला ठीक है, रिलेशनशिप में थी तो क्या हुआ उसका। तो बोले अभी 2-3 महीने से हम लोगों में थोड़ा सा दुरावा आना शुरू हो गया। तो बोला क्या चल रहा था आपके दिमाग में। तो डॉक्टर साहब बोले बुरा भी लग रहा था
और गुस्सा भी था, क्यों उससे वो दूर जा रहा है, क्यों जा रहा है वो मुझसे दूर। तो मैं बोला आपने क्या किया? कुछ नहीं, हम लोगों ने म्यूचुअली बैठ के ब्रेकअप कर लिया। तो दिस वॉज द केस। और फिर मैंने बोला नहीं, अब ये केस के ऊपर से मैं इसको रेमेडी दे देता हूँ। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें एनालिसिस की। जैसे वो मैं उसके मिलने गया ना, जो उसकी स्माइल थी, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्माइल, वो स्माइल इतने पेन में भी आपको इतनी अच्छी स्माइल दी थी वो। तो मैंने फर्स्ट रूब्रिक मेरा लिया था अफेक्शनेट। अफेक्शनेट में कि नहीं, हमको ऐसा अफेक्शन फील होता है, मतलब इफ यू आर अफेक्शनेट ना, समवन इज अफेक्शनेट, तो हमको ऐसा मतलब ऐसा लगता है। छोटे बच्चे हमारे क्लिनिक में आते हैं ना, देखने के बाद उनके साथ खेलने की मजा होती है, अरे वाह कितना अच्छा है, कितना मस्त है, दैट इज अफेक्शन, मतलब एक वार्म्थ मिलने की मिलता है। तो वो जो वार्म्थ था ना, तो मैंने फर्स्ट रूब्रिक ये लिया था। सेकेंड रूब्रिक वॉज मैंने प्रिकॉसिटी चिल्ड्रन इन लिया था। वॉट इज प्रिकॉसिटी? प्रिकॉसिटी मतलब आप जो एज में हो उससे कई गुना बड़ी चीजें आप जब करते हो। छोटे बच्चे नहीं क्या, बहुत सारे हम मराठी में हम लोग बोलते हैं कि अरे यार ये तो आजी भाई है, मतलब बड़ी 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 लोगों के समान बात करने वाले लोग, दैट इज प्रिकॉसिटी। मतलब कम एज में भी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाना। ये लड़की क्या बोल रही थी, मुझे सोशल वर्क करना है 20-22 साल में, सोशल वर्क, वो भी क्या करना है, इंटीग्रिटी फैटर्निटी, है ना, ये सारी चीजें कौन करता है यार, इतना रिलीजन को फॉलो कौन करता है ये कम एज में, बहुत कम बच्चे करते हैं। तो दिस इज प्रिकॉसिटी। फिर मैंने उससे जो पूछा कि क्या हुआ था, तो एक्चुअली वो उसको ब्रेकअप हुआ था, तो दैट इज एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट। और वो दर्द में भी थी, क्यों, तो एंग्विश फ्रॉम लूजिंग हिज फ्रेंड, इसके ऊपर से मैंने उसको इग्निशिया दिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इग्निशिया। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस इग्निशिया, देर आर मेनी क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब चैनल दैट व्हाट पोटेंसी यू हैव सिलेक्टेड एंड हाउ यू सिलेक्टेड पोटेंसीज। तो उसके पीछे का रीजन सिर्फ यही है, जैसी जैसी आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है ना, एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता है। एक्सपीरियंस से भी आपको पोटेंसी में खेलना, आपको मतलब फोसोलॉजी में आप थोड़ा सा काम कर सकते हो। पर एक इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि फोसोलॉजी में कैसा है, जितनी लो वाइटलिटी पेशेंट की उतनी लो पोटेंसी, जितनी वाइटलिटी हाई उतनी हाई पोटेंसी। मतलब एक्यूट कंडीशन में पेशेंट अगर आता है आपके पास, तो थिंक अबाउट हायर पोटेंसी, क्योंकि वो फास्ट सारी चीज़ें होती रहती है। और जितना मतलब डायबिटीज़ है या फिर जो भी बाकी की चीज़ें हैं, जो स्लो मूविंग डिसऑर्डर्स हैं, वहाँ पे आप 30 पोटेंसी से स्टार्ट करो, देन आप जिस तरीके से पेशेंट का ज़रूरत है उस हिसाब से फिर आप पोटेंसी में चेंजेस करते जाओ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, मैंने ये दोनों भी पेशेंट को, दोनों इग्निशिया को 1 mm वाली पोटेंसी दिया था, क्योंकि दोनों इसमें इंटेंसिटी बहुत हाई थी, एक में पेन बहुत ज़्यादा था, एक अनकॉन्शियस थी। तो लेट अस अंडरस्टैंड इग्निशिया। अब इग्निशिया कैसा है ना, इग्निशिया को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। दिस इज माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग राइट नाउ विथ इग्निशिया। आई हैव लॉट्स ऑफ केसेस ऑफ इग्निशिया, सो आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई हैव सम ऑफ दैट ऑल केसेस। इग्निशिया की जो जर्नी है, इग्निशिया कैसी बनती है, क्या है, तो ये तो नियर अबाउट आपको बहुत सारे जनों ने बताया होगा, लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। इग्निशिया जब बहुत अच्छी रहती है तब कैसी रहती है, जब वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है तब कैसी रहती है, और जब वो खराब होना शुरू होती है तब कैसी रहती है। तो ऐसे 3 पार्ट में हम लोग इग्निशिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पार्ट गुड पार्ट। तो ये जो गुड पार्ट है ना, गुड पार्ट में इग्निशिया बहुत वाइवेशियस रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, एंटिक्स प्लेइंग करेगी, बहुत हंसते रहेगी, खेलते रहेगी, डांस करेगी, ये करेगी, अफेक्शनेट बहुत रहेगी, आपसे बात करेगी, बहुत अच्छी रहेगी। ये जो फेज है ना इग्निशिया का, ये आपको पल्सेटिला के साथ की नहीं बहुत मैच करेगा। पल्सेटिला भी ऐसी बबली रहेगी, थोड़ी सी शर्माएगी, थोड़ी सी ये रहेगी, एंटिक्स प्लेइंग दोनों करेंगे। बस पल्सेटिला और इग्निशिया में सिर्फ इतना फर्क रहेगा, पल्सेटिला मैन्युपुलेट द सिचुएशन, इग्निशिया मैन्युपुलेट नहीं करती। दोनों हालांकि मॉरल्स वाली रेमेडी है, इग्निशिया भी सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन में है और पल्सेटिला भी सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन में है, पर वो मैन्युपुलेट सिचुएशन करेगी, उसको बहुत प्यार चाहिए होता है। इग्निशिया को
प्यार तो चाहिए होता है, लेकिन उतना प्यार नहीं चाहिए होता जितना पल्सटिला को चाहिए होता है। इग्निशिया को थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट चाहिए होता है, एक थोड़ा सा अफेक्शन चाहिए होता है, और एक थोड़ा सा अप्रिसिएशन चाहिए होता है। एक हमारे पास रूब्रिक है, फियर इनवैलिडिटी, इग्निशिया का रूब्रिक है। तो जब वो इनवैलिडिटी हो जाती है ना, मतलब उसको कोई कोई दुत्कार ना दे, उसको उसका वैलिडेशन बाहर ना कर दे, इसलिए इग्निशिया हमेशा डरते रहती है। तो ये गुड पार्ट में आपको इग्निशिया बहुत अच्छी चप्पी, ये वो मस्त मस्ती करने वाली इग्निशिया की, ये फेज में इग्निशिया बीमार बहुत कम गिरती है। इग्निशिया बीमार कब गिरती है ना, जब उसको वैलिडेशन नहीं मिलता, जब उसको उसका पोजीशन लॉस होने का डर रहता है, या फिर उसको कोई पनिशमेंट देता है, जब उसको लगता है कि शेम हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा ऑफेंड कर रहा है कोई, तब इग्निशिया बीमार होना शुरू होती है। और जब वो बीमार होती है ना, तो उसका एडॉप्टेशन बहुत अलग 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 ऑथर्स ने अलग अलग चीज़ें दी है, रेपर्टरी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारी इग्निशिया को कि नहीं एक रूब्रिक से प्रिस्क्राइब किया है, दैट रूब्रिक इज लिख लो काम में आएगा और बहुत प्रैक्टिकली अप्लीकेबल रूब्रिक है। रूब्रिक इज डिलीरियम क्राइंग हेड फॉर, इसमें 5-6 ही रेमेडीज हैं। एक मेरे हिसाब से एक कैंथरिस है, एक कैम्फर है, और सारी रेमेडीज आप ये रूब्रिक पे से दे सकते हो। प्लैटिना भी है उसमें और इग्निशिया भी है। तो इग्निशिया की नहीं हेल्प के लिए मांगेगी, मतलब पर इग्निशिया का प्रॉब्लम कहाँ होता है पता है? इग्निशिया का प्रॉब्लम सबके साथ नहीं होता है, इग्निशिया का प्रॉब्लम सिर्फ एक ही बंदे के साथ होता है जो उसके बहुत करीब होता है। और वहां से जब रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है ना, तब इग्निशिया बीमार होना शुरू हो जाती है। इग्निशिया का थ्रेशोल्ड लेवल भी बहुत ज्यादा रहता है, बहुत थ्रेशोल्ड लेवल रहता है इग्निशिया। एक रूब्रिक है हमारे पास, कावर्डाइज विदाउट करेज टू एक्सप्रेस वोन ओपिनियन। वो अपने ओपिनियन रखती नहीं, आप मुझे खुद समझ लो, मैं नहीं समझाओगी, आप मेरी आंखों में जानो, इसलिए वो सारी चीजें करती है। फैमिली के लिए डांस करेगी, ये करेगी, वो करेगी, जिसको जो चाहिए वो लाके देने की कोशिश करेगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगी, सारी ड्यूटीज करेगी, पर अगर फिर भी उसको एप्रिसिएशन नहीं मिला है ना, एक प्रैक्टिकल टिप देता हूँ, बहुत सारे होम्योपैथ्स हैं, अगर उनको इस तरीके की कंडीशन वाली कोई अगर फीमेल उनकी क्लिनिक में आती है तो आप उनको प्रिस्क्राइब करो इग्निशिया। तो प्रैक्टिकल टिप ऐसा है कि पति है पत्नी है, दोनों अगर साथ में आए हैं, और अगर पति बता रहा है कि इसको ये तकलीफ है, इसको सर दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, और आपने पति मतलब वो पेशेंट को अगर पूछा और वो फीमेल है इग्निशिया कि आपको तकलीफ क्या होती है, कुछ नहीं सिर्फ दर्द है, तो दर्द कब ज़्यादा होता है पति की तरफ देख के, बस ख़त्म, ज़्यादा बात नहीं करेगी, ऐसे नीचे ही देखेगी, मतलब यार दर्द कब होता है ये जो चीज अगर आप पूछोगे ना, देख डॉक्टर को पता चला और तुझको अभी भी नहीं पता चला कि मेरा दर्द क्या है, मतलब मेरी आंखों में तू देख कि क्या दर्द है मेरा। ये प्रैक्टिकल टिप है, आप यूजुअली क्लिनिक में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इग्निशिया को हम अब ये कैसा, एक बहुत अच्छा पार्ट देख लिए, ड्यूटी वाला पार्ट देख लिया, और वो बीमार होना शुरू हो गया। बीमार होने के बाद ना इग्निशिया क्या करेगी आपको बोल नहीं सकते। इग्निशिया फेनिंग सीक भी कर सकती है, इग्निशिया हिस्टेरिकल होगी, हमने बहुत पढ़ा है ना कि इग्निशिया हिस्टेरिकल रेमेडी है करके, पर वो हिस्टेरिकल होती ही इसलिए यार उसकी पोजीशन लॉस हो जाती है, उसको वो प्यार नहीं मिलता, वो अफेक्शन नहीं मिलता, मतलब उसको ऐसी लगता है कि एक जैसी हमने हमारी वो सेकंड वाली केस में देखा था ना, एंग्विश फ्रॉम लूजिंग हिज फ्रेंड, वो जो अफेक्शन है ना, दर्द है, बहुत सैडनेस है उसमें, बहुत ज्यादा ग्रीफ है, और ये सारा दर्द वो लेके कैरी करती रहती है, और ये कैरी में उसके एडॉप्टेशन अलग अलग हो सकते हैं, बिकम हिस्टेरिकल, शी कैन लैंड इन टू द डिलीरियस स्टेट, डिलीरियम पेन फ्रॉम डिलीरियम, मतलब ये सारी चीजें उसको कि नहीं बहुत खराब कर जाती है, और आखिरी में कि नहीं इग्निशिया डिसकंसर्टेड वाली फेज में जाती है। अब ये डिसकंसर्टेड ऐसा है कि वहां पे आपको इग्निशिया बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिखेगी, यहाँ पे इग्निशिया को आप इजीली पकड़ नहीं सकते। आपके क्लिनिक में आने के बाद इग्निशिया का प्रेजेंटेशन उस वक्त बहुत अलग रहेगा, शी विल नॉट टॉक, आप कुछ भी पूछो,
एकदम साइलेंट। आपको समझना पड़ेगा वो आंखों को। आपके क्लिनिक में बहुत गुड वाली इग्निशी आएगी ना, बहुत अफेक्शनेट की, इतनी प्यारी स्माइल रहेगी कि यू विल फील अमेज यार वो स्माइल देख के कि यार बहुत अफेक्शनेट है। और जब डिसकंसर्टेड वाले फीलिंग में आएगी ना, आपको उसकी आंखों में बहुत ज्यादा सैडनेस दिखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इग्निशिया। इग्निशिया के साथ जब इग्निशिया बहुत ज्यादा एक एडॉप्टेशन हो गया डिसकंसर्टेड वाला, इग्निशिया के लिए गुस्सा भी उतना ही होती है, उसमें एंगर भी बहुत ज्यादा रहता है। जब बहुत ज्यादा सर के ऊपर पानी होता है ना, तब इग्निशिया डिफाइंड भी हो जाती है, इग्निशिया एंगर वॉयलेंट भी हो जाती है। और ये फेज में आपको इग्निशिया स्टाफिसाइग्रिया के साथ बहुत क्लोज जाते हुए दिखेगी, बहुत क्लोज जाते हुए दिखेगी। आपको अगर इग्निशिया स्टाफिसाइग्रिया नाइट्रमो समझना है तो डॉक्टर मिथुन लालीवाला है हमारे नागपुर एचएचएफ के, उनके भी वीडियोस आप देखो, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है। सो होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो एंड होप यू ऑल एंजॉय इग्निशिया। तो बस एक चीज आखिरी आपको बताना चाहता हूं, एक हिप्पोक्रेट का कोट है। कोट ऐसा है, पर्सन अगर आपके पास आता है ना, कोई भी पर्सन हो, कितना भी इल रहो, आईसीयू का केस रहो या कहीं का भी रहो, सबसे पहले उससे पूछो, कोट देखो क्या सुंदर लिखा हुआ है, Before you heal someone, ask him if he is willing to give up the things that made him sick. ये चीज आप हमेशा क्वेश्चन करो पेशेंट को कि भाई जिसने तुझे बीमार किया है उसको छोड़ने की आप कोशिश कर सकते हो क्या, तो मैं आपको ठीक करूंगा। सो थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस सेशन। सो काइंडली लाइक सब्सक्राइब and share so that I can make more videos for you. Thank you all.